इंग्लिश स्पीकिंग में मोस्ट यूजफुल टॉपिक जो काफी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ हैड बीन। हैड बीन का मतलब होगा किया था, मतलब कि कोई काम किया गया था, इस प्रकार से इसका कुछ मीनिंग आएगा। आप समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला होगा आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसके बाद आपको यूज करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस आपका जनरली स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि ये सेंटेंस आपका पेसिव में बनेगा और पेसिव के जितने भी सेंटेंस बनाए जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट से ही शुरू किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, काम पूरा किया गया था तो सेंटेंस बनेगा द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर जो वर्क है एक नाउन के तरह यूज किया गया है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। इसके बाद आप यूज किए हैं हैड बीन। हैड बीन यूज करने पर आपको पता चलता है कि काम किया गया था। अब क्या किया गया था, तो भाई कंप्लीट किया गया था, पूरा किया गया था। तो पूरा करना आपका वर्ब है जो कि आपको थर्ड फॉर्म में लिखना होगा कंप्लीट का कंप्लीटेड। इसी प्रकार से और भी सारे सेंटेंसेस हैं, उसे बुलाया गया था तो सेंटेंस बनेंगे ही हैड बीन कॉल्ड। कॉल मतलब होता है बुलाना, यहाँ पर आपका बुलाने का काम जो है किसे किया गया है, तो उसे किया गया है, उसे के लिए आप यहाँ पर ही लिख देंगे। अब बुलाना, बुलाया कौन है, जो भी बुलाया है उसे आप बाय के साथ लिखेंगे। जैसे अगर अमन के द्वारा उसे बुलाया गया था तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय अमन, लिख देंगे यहाँ पर। जो भी होगा आप उसे ऑब्जेक्ट के बाय के साथ आप उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा लेकिन पैसिव सेंटेंस में बाय के साथ लिखा जाता है। हम लोगों को पैसे दिया गया था तो सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि वी हैड बीन गिवन मनी। वी हैड बीन गिवन मनी मतलब हम लोगों को पैसे दिया गया था, तो सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाएगा। आगे है सड़क बनाया जा चुका था, तो सड़क बनाया जा चुका था तो काम क्या हुआ था, सड़क का बनाना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सड़क हो जाएगा, बनाया आपका वर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है तो सेंटेंस बनेगा द रोड हैड बीन रिपेयर्ड। शायद तो आप यहाँ पर बिल्ट का भी यूज कर सकते हैं, बिल्ट का भी मतलब होता है आपका बनाना, जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और रिपेयर का भी मतलब होता है बनाना, दैट मीन्स कि रिपेयर मतलब दोबारा, रिपेयर दोबारा उसको बनाना, दैट मीन्स रिपेयर कहलाता है। सेंटेंस बनेगा तुम्हें दिल्ली भेजा गया था, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए आपका सेंड जो ये वर्ब है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और इसे थर्ड फॉर्म में करने के लिए इसे सेंट लिखा जाता है। अगर आप टेंस को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, टेंस से सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो वर्ब के जो फॉर्म्स है गाइस आप उसे याद कर ले से। वर्ब के फॉर्म्स याद करने पर आप सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं। जहां पर थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होगा आप इजिली बना सकते हैं, सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता होगा आप इजिली बना सकते हैं, क्योंकि यही दो वर्ब के फॉर्म्स हैं जो अधिक कंफ्यूज करते हैं। बाकी वर्ब के फोर्थ फॉर्म काफी इजी है, फिफ्थ फॉर्म भी आपके काफी इजी है, थोड़ी सी दिमाग लगाने पर ये दोनों फॉर्म्स आपके कवर में हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों आपके काफी मोस्ट डिफिकल्ट है, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसे आपको डेली रूटीन में लाना होगा, इससे आपको सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। आगे इसी प्रकार से है गाइस हैड टू, जिसका मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था, इस प्रकार से आप इसे यूज करते हैं। तो इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन, इसके बाद आपको यूज करना हैड टू। सभी सेंटेंस में, सभी वाक्यों में, सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैड टू। इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लास्ट में आप इसे, आप ऑब्जेक्ट इसे दे देंगे, तो सेंटेंस आपका इसी प्रकार से बनाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे वहां रुकना पड़ा तो सेंटेंस बनेगा आई हैड टू स्टे देयर। रुकना के लिए आप लिखते हैं स्टे और वहां के लिए आप लिखते हैं देयर, जो काफी इजी है।
सेंटेंस बनेगा तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, दैट मीन्स कि आप यूज करेंगे यू हैड टू लीव द जॉब। लीव मतलब हो जाएगा छोड़ना, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं। काफी इजी भी है, हम लोगों को वहां जाना पड़ा तो सेंटेंस बनेगा वी हैड टू गो देयर, हम लोगों को वहां जाना पड़ा वी हैड टू गो देयर। गाइस मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप इससे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, मोर देन 30+ सेंटेंसेस यू नीड टू मेक, जस्ट यू हैव टू मेक गाइस, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज रिमेम्बर। प्रिया को खाना पकाना पड़ा तो सेंटेंस बनाया जाएगा प्रिया हैड टू कुक फूड, कुक मीन्स पकाना, इस पर आप यहाँ पर समझ पाएंगे। आगे इसी प्रकार से हो जाएंगे कि रवि को गीत गाना पड़ा, दैट मीन्स कि गाना गाना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा रवि हैड टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग मतलब आपका एक्शन बताया जा रहा है और आपका सॉन्ग मीन्स आपका गीत है, दैट मीन्स कि कोई म्यूजिक है, इसी प्रकार से आप इसे यूज करते हैं। आगे इसी प्रकार से है हैड के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ अगर आप यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म तो मीनिंग आता है गया था, दैट मीन्स कि कोई काम कर मतलब कि किया था या फिर कर चुका था, इस पर से आपका मीनिंग देगा, तो जिससे कि इसका फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार से आएंगे, वे लोग मैच खेल चुके थे, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड प्लेड द मैच, दे हैड प्लेड द मैच, वे लोग मैच खेल चुके थे, इसी प्रकार से होगा तुम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड रीच्ड द स्टेशन, रीच यहाँ पर आपका होता है पहुंचने के लिए और स्टेशन के लिए आप स्टेशन ही लिखते हैं, इस प्रकार से आप यूज करते हैं, और रीच्ड आपका यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है जैसा कि प्लेड है। इसी प्रकार से मेरा भाई स्कूल जा चुका था, तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, माई ब्रदर मेरा भाई हैड गॉन जा चुका था टू स्कूल, स्कूल वो अपना काम कर चुका था, सेंटेंस बनेगा ही हैड डन वो कर चुका था हिज वर्क अपना काम, इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हुए। आगे इसी प्रकार से हो जाएंगे सुमन अंग्रेजी सीख चुका था, तो सेंटेंस बनेगा सुमन हैड लर्न्ड इंग्लिश, यहाँ पर आपका लर्न्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म है, आपको ये समझना हैड, हैड का मतलब होता है पास्ट था, कोई चीज पास्ट था के लिए आप यूज करते हैं हैड का, और इसे बनाने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास था तो पास आपके पास कई सारी चीजें हो सकता है, जैसे कोई कह सकता है मेरे पास एक पेन था, उसके पास एक कार था, उस समय आपको यूज करना है हेड का, तो जल्द एग्जांपल इस पर होगा उसके पास एक बड़ा घर था, तो सेंटेंस बनाया जाएगा ही हैड अ बिग हाउस, ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। हम लोगों के पास कई सारे किताबें था, तो सेंटेंस बनेगा वी हैड मैनी बुक्स, वी हैड मैनी बुक्स मतलब हम लोगों के पास कई सारे किताबें था। अमन के पास कई सारे दोस्त था, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैड मैनी फ्रेंड्स, अमन हैड मैनी फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि अमन के पास कई सारे दोस्त था। इसी प्रकार से तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड अ लॉट ऑफ मनी। रवि के पास एक कार था, तो सेंटेंस बनेगा रवि हैड अ कार, रवि हैड अ कार, रवि के पास एक कार था। हैज बीन का मतलब होता है चुका है, कोई काम किया जा चुका है, इस पर से आप यूज करते हैं हैज बीन का, और हैज बीन आप यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो भी वर्ड से आपके सेंटेंस शुरू होंगे वो वर्ड आपका सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ आप यूज करेंगे हैज बीन का,
जिसका की फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आप सेंटेंस बना रहे हैं पैसिव, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। जहां पर आप लिखते हैं सब्जेक्ट, वहां पर आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव में बन रहा है, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन रहा है। ऑब्जेक्ट के साथ आपको लिखना हैज बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखना है तो आप लिख सकते हैं बाय के साथ सब्जेक्ट, कि आखिर सेंटेंस में डूअर कौन है, सेंटेंस में कौन काम किया है, उसे आप बाय के साथ लिखते हैं। गली सजाई जा चुकी है, सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट हैज बीन डेकोरेटेड। द स्ट्रीट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, दैट मीन्स की ऑब्जेक्ट है, और इस ये आपका सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन का यूज किया गया है। आगे इस प्रकार से है, रवि को पीटा जा चुका है, तो सेंटेंस बनेगा रवि हैज बीन बीटन। यहाँ पर रवि पीटने का काम नहीं किया है, रवि को पीटा गया है, दैट मीन्स कि रवि पर ही एक्शन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रवि ऑब्जेक्ट है। कमरा पेंट किया जा चुका है, सेंटेंस बनेगा द रूम हैज बीन पेंटेड। द रूम हैज बीन पेंटेड, दैट मीन्स कमरा पेंट किया जा चुका है। काम पूरा किया जा चुका है, तो सेंटेंस बनेगा वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है, वो आपका सिंगुलर है, इसलिए आप सभी के साथ यूज कर रहे हैं हैज बीन। रवि का घर बेचा जा चुका है, सेंटेंस बनेगा रवीज हाउस हैज बीन सोल्ड। रवीज हाउस, रवि का घर हैज बीन सोल्ड, बेचा जा चुका है, इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हैव टू, और हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पर आप बताते हैं किसी भी कंपल्सन को कि कोई काम करना आपका मजबूरी हो सकता है या फिर जरूरी हो सकता है, दोनों कंडीशन में आप यूज करते हैं हैव टू को। और हैव टू का फॉर्मूला इस प्रकार से बनाया जाता है, जहां पर आप बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव टू आपको यूज करना है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रहे वो सब्जेक्ट आपका प्लुरल होना चाहिए, अगर प्लुरल है तभी आप यूज कर सकते हैं हैव टू, अन्यथा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मुझे काम करना है, तो आई के साथ आपका हैव लगता है, यहाँ पर सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है या फिर मुझे काम करना पड़ता है, यहाँ पर आप मजबूरी दिखा सकते हैं। तुम लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा यू हैव टू वर्क द होल डे। तुम लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, दैट मीन्स कि मजबूरी है काम करना या फिर जरूरी है काम को करना, नेसेसिटी या फिर कंपल्सन दिखाने के लिए आप हैव टू का यूज करते हैं। मुझे उसके साथ रहना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा आई हैव टू लिव विद हिम। आई हैव टू लिव, मुझे रहना पड़ता है विद हिम, उसके साथ। इसी बार से हम लोगों को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश। वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, इस प्रकार से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। आगे इसी प्रकार से होगा हैविंग टू, और हैविंग टू बताता है कि कोई काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में आपको कोई काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी आपका एक कंपल्सन है। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद आप यूज करेंगे हैविंग टू, हैविंग टू के बाद आपके जो वर्ब आएंगे वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, रवि को अंग्रेजी में बात करना पढ़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज हैविंग टू टॉक इन इंग्लिश। रवि इज हैविंग टू टॉक इन इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी में बात करना पड़ रहा है। तुम्हें रोज बाजार जाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा यू आर हैविंग टू गो टू मार्केट डेली, या फिर शायद तो आप डेली के जगह पर आप एवरीडे का भी यूज कर सकते हैं।
यू आर हैविंग टू गो टू मार्केट एवरी डे। हम लोगों को स्कूल जाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल। वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल, हम लोगों को स्कूल जाना पड़ रहा है। इसी बार से मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनाया जाएगा आई एम हैविंग टू कुक फूड। आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ रहा है। रिया को वहां जाना पड़ रहा है, सेंटेंस बनेगा रिया इज हैविंग टू गो देयर। आगे है हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, जो बताता है कि किया है, कोई काम कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट से मीनिंग देने के लिए, इस पार्ट से आपको सेंटेंस बनाने के लिए हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज किए जाते हैं। और मैं बता दूं कि हैज आप उसके साथ यूज करेंगे जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होंगे। एग्जाम्पल, इसे उसने काम कर लिया है, मतलब उसने काम करने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है, काम कंप्लीट कर चुका है। सेंटेंस होगा ही हैज वर्कड, वो काम कर चुका है या फिर उसने काम कर लिया है। इसी प्रकार से रवि ने अंग्रेजी सीख लिया है, तो सेंटेंस बनाया जाएगा रवि हैज लर्न्ड इंग्लिश। यहाँ पर लर्न्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रवि सिंगुलर है और ही भी आपका सिंगुलर है, इसलिए दोनों के साथ आप हैज का यूज किए हुए हैं। प्रिया ने खाना खा लिया है, सेंटेंस बनेगा प्रिया हैज ईटन फूड। प्रिया ने खाना खा लिया है, प्रिया हैज ईटन फूड। इसी प्रकार से अमन उससे मिल लिया है, अमन उससे मिल लिया है, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैज मेट हिम। अमन हैज मेट हिम, अमन उससे मिल लिया है। इसी बार से आगे सेंटेंस बनेगा हैव बीन, और हैव बीन का मतलब होता है कोई काम किया गया है, इस पार से मीनिंग आएगा। तो सेंटेंस आपके काफी इजी होंगे, और इसे बनाने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव में है, इसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जांपल, उन लोगों को मीटिंग में बुलाया गया है, तो सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन कॉल्ड इन द मीटिंग। इसी प्रकार से हम लोगों को पैसे दिया गया है, तो सेंटेंस बनेगा वी हैव बीन गिवन मनी। हम लोगों को पैसे दिया गया है, वी हैव बीन गिवन मनी। तुम लोगों को खाना खिलाया गया है, यू हैव बीन फेड फूड। फीड का मतलब होता है खिलाना, फेड का थर्ड फॉर्म फेड हो जाएगा। इसी प्रकार से बाजार में सब्जियां बेचा गया है, सेंटेंस बनेगा द वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट। आपको मैं बता दूं कि हैव आप जिसके साथ यूज किए, हैव बीन, सभी सब्जेक्ट आपका प्लुरल है और प्लुरल आपका होना भी चाहिए, तभी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। डिड, और डिड का मतलब होता है कोई काम कर ली या फिर कोई काम कर दी या फिर कोई काम किया, इस पर आप यूज करते हैं डिड का, जिसका की फॉर्मूला इस पर से होता है सब्जेक्ट प्लस डिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डीड आपका मेन वर्ब है, इस प्रकार से आपको समझना है। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डिड नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है। मैंने अपना काम कर लिया, सेंटेंस बनेगा आई डिड माय वर्क। इसी प्रकार से उसने होमवर्क कर ली, सी डिड होमवर्क। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। पहले दो सेंटेंस में आपका डिड यूज किया गया है मेन वर्ब की तरह, और तीसरे सेंटेंस में आपको यूज किया गया है डिड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। हम लोगों ने खाना नहीं खाया, सेंटेंस बनेगा वी डिड नॉट ईट फूड। तुम लोग पत्र नहीं लिखे, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। Has to, जिसका मतलब होता है कोई काम करना है, करने को है या फिर करना पड़ता है। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस has to प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
हैज टू आपको यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल होगा उसे अंग्रेजी सीखना है, संडेस होगा ही हैज टू लर्न इंग्लिश। रवि को वहां समय पर पहुंचना है, सेंटेंस बनेगा रवि हैज टू रीच देयर ऑन टाइम। मुस्कान को नौकरी पाना है, सेंटेंस होगा मुस्कान हैज टू गेट अ जॉब। इस पार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। रमेश को खाना पकाना पड़ता है, सेंटेंस बनाया जाएगा रमेश हैज टू कुक फूड। इस पार से सेंटेंस आप कई सारे इसलिए बना सकते हैं। आगे है हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है चुका है। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव के साथ आप वर्ब के थर्ड फॉर्म जो यूज करेंगे, ये आपका प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज किया जाएगा। हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, सेंटेंस बनेगा वी हैव नॉट कट दिस ट्री। और ये कट आपका यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कट का तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, कट कट कट। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, संडेस होगा द चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने पाठ याद कर चुका है या फिर मैं पाठ याद कर चुका हूँ, संडेस होगा आई हैव रिमेम्बर्ड द लेसन। आई हैव रिमेम्बर्ड, मैं याद कर चुका हूँ द लेसन पाठ। तुम्हारे नौकरों ने खाना नहीं बनाया है, सेंटेंस बनेगा योर सर्वेंट्स हैव नॉट कुक्ड फूड। इस पार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।